दोस्तों, आज हम आपको ऐसे फलों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आपने अभी इससे पहले कभी ना तो देखा होगा ना तो इनके बारे में सुना होगा। अब तक आपने अपने पेड़ों पर आम, सेब, संतरा, अंगूर या लीची के फल तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको इस बात पर यकीन होगा कि एक ऐसा भी पेड़ है जिसपे औरतें उगती हैं, या फिर वर्गाकार तरबूज या बुद्धा के आकृति का फल? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला, वर्गाकार तरबूज। आपने अभी तक गोल तरबूज तो देखा ही होगा या फिर खाया होगा, और अब आप वर्गाकार तरबूज भी खाने का मजा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जापान जाना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि जापान वाले भैया लोगों को गोल तरबूज पसंद नहीं आया, इसीलिए इसका नक्शा ही बदल डाला। और वैसे इस तरबूज को बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गोल आकृति के तरबूज को एक वर्गाकार आकृति के बर्तन में रखने से उसका आकार उसके अनुसार ढल जाता है, जिससे ये तरबूज वर्गाकार होते हैं। और जापानी लोगों का कहना है कि इससे हमें ट्रांसपोर्ट में काफी फायदा होगा और कम जगह में ही काफी तरबूज रखे जा सकते हैं। वैसे जापानी भाइयों के दिमाग के बारे में क्या कहा जाए, ये किसी आदमी को भी किसी डब्बे में रख के छोटा बना सकते हैं। तो तरबूज किस खेत की मूली है? दूसरा, बुद्धा नाशपाती। ये नाशपाती दरअसल ऐसी होती नहीं है, बल्कि इसे ऐसा बनाया जाता है, इसे खास तरह सांचे में रखा जाता है, जिससे ये नाशपाती उसका आकार ले लेती है और इसे महंगे दामों में बेचा जाता है। इसका एक फल लगभग 7 से 9 डॉलर की कीमत में मिलते हैं। तीसरा और सबसे रहस्यमयी फल जो है स्त्री फल। मैं ये कहूँ कि इस पेड़ पर औरतें उगती हैं, वो औरतें नहीं जो आप सोच रहे हैं, बल्कि इसका मतलब इस पेड़ पे इसका फल ही बिल्कुल औरतों की आकृति का होता है। ये पेड़ थाईलैंड में है और ये बिल्कुल सच है, इसमें किसी तरह की तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्थानीय लोग इस पेड़ को नैरिफन नाम से पुकारते हैं और इसके प्रति उनकी गहरी आस्था भी है। कुछ बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ को भगवान ने खुद थाईलैंड के हिमाफन जंगलों में लगाया था। इस फल से जुड़ी एक प्रचलित कहानी भी है, जिसमें सदियों पहले भगवान इंद्र इस जंगल में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक बार उनकी पत्नी फल तोड़ने जाती है, तभी लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी रक्षा के लिए भगवान ने तुरंत नैरिफन के 12 पेड़ों को उगा दिए, ताकि वो उन लोगों को भ्रमित कर सके। तभी से इस पेड़ पे स्त्री के आकार का फल उगता है। अब इस मान्यता में कितनी सच्चाई है, ये तो मुझे भी नहीं पता, और अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अरे यार, वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? जल्दी से करो, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। चौथा, ड्यूरियन फल। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यह फल बहुत ही बदबूदार होता है, लेकिन फिर भी यह चीन का सबसे लोकप्रिय फल है। मतलब यार, हद हो गई, इन भाई साहब लोगों को वही पसंद आता है जो पूरी दुनिया को पसंद नहीं आता है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है, चीनी लोग कुछ भी खा सकते हैं, मतलब कुछ भी। खैर छोड़ो, वैसे ये फल बहुत ही महंगे फलों में से एक है, और अगर चीन की बात रही तो इन लोगों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। पांचवा, ड्रैगन फल। इंतफाक से ये फल भी चीन में ही होता है, लेकिन इसका स्वाद काफी मीठा होता है और ये पानी से भरा होता है। इसको खाने से पहले इसमें से कांटे निकालने होते हैं, यानी ये फल कांटों से भरा होता है, इसीलिए ये ड्रैगन फल कहा जाता है। ये केवल चीन में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कैरेबियन में भी पाया जाता है। तो आप लोगों का इन फलों के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा।